मूवी की स्टार्टिंग में एक औरत समुद्र में कहीं जा रही होती है, उसके बैग में उसका बच्चा भी होता है। मौसम खराब होने की वजह से ये सीन और डरावना लग रहा होता है कि तभी एक बड़ी सी लहर उठती है और उसकी नाव को डुबा देती है। पत्थर से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा रो रहा है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो उठ भी नहीं पाती और वो अपने बच्चे के पास पहुँचती है जिसका नाम कुबो होता है। कुबो के नाना ने उसकी एक आँख निकाल ली थी और वो उसकी दूसरी आंख भी निकालना चाहते थे, इसी वजह से वो उनसे बचकर भाग रहे थे। फिर दिखाया जाता है कि कुबो अब बड़ा हो गया है, वो खाना बनाता है और अपनी माँ को खिलाता है। कुबो की माँ की हालत बहुत खराब थी, वो ना तो कुछ बोलती थी और ना ही उसके हाथ से कुछ कर सकती थी। कुबो कागज से कुछ खिलौने बनाता है और अपने घर के पास वाले गाँव में जाता है। कुबो और उसकी माँ एक पहाड़ी पर रहते थे। कुबो गाँव में पहुँचता है और सभी को अपने बनाए हुए कागज के खिलौनों की मदद से कहानी सुनाने लगता है, क्योंकि कुबो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था। सभी उसकी कहानियाँ बहुत ध्यान से सुना करते थे और उसके पास एक जादुई वायलिन भी था। वो बताता है कि एक हंजो नाम का समुराई था, लेकिन वो अकेला था। उसका परिवार उससे छिन गया था, उसका राज्य तबाह हो गया था और उसकी सेना खतरनाक मुनकिंग ने नष्ट कर दी थी। हंजो दूर दराज के शहरों में घूम रहा था एक जादुई अस्त्र शस्त्र की तलाश में, क्योंकि वही एकमात्र हथियार था जो उसे मुनकिंग की शक्तियों से सुरक्षित रख सकता था। और ये शस्त्र तीन चीजों से बना था, पहली ना टूटने वाली तलवार और दूसरी एक कवच और अंत में हेलमेट। इससे पहले कि हंजो उस शस्त्र पर कब्जा कर सके और उन टुकड़ों को जोड़ सके, उससे पहले मुनकिंग्स के दरिंदों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर कहानी सुनते सुनते शाम हो जाती है और कुबो अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुबो घर पहुँचता है तभी हमें पता चलता है कि कुबो की माँ शाम होते ही नॉर्मल हो जाती है। वो दोनों खाना खाते हैं और कुबो की माँ उसे उसके पिता हंजो की कहानी सुनाती है जो कुबो गांव वालों को सुनाया करता था, लेकिन वो कभी कहानी खत्म नहीं कर पाती क्योंकि उसे उसके आगे का कुछ याद ही नहीं आता। फिर कुबो अपने पिता हंजो के बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि वो वीर और ताकतवर योद्धा था जो तुमसे बहुत प्यार करता था, वो हमें बचाते बचाते मर गया था। कुबो की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे नाना और मेरी बहनों ने तुम्हारी आँख चुरा ली थी और अब वो तुम्हारी दूसरी आँख लेने के लिए तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए तुम्हें कभी रात में बाहर नहीं निकलना है और हमेशा रात में छिपकर रहना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे और मुझसे दूर ले जाएंगे। और कुबो की माँ उससे कहती है कि इस मंकी के खिलौने को हमेशा तुम्हारे पास रखना और अपने पिता का चोगा हमेशा पहने रखना। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कुबो वापस गाँव जाता है जहाँ एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि आज बहुत ही खास त्योहार है जिसमें हम लैंप की मदद से उनसे बात करते हैं जो इस दुनिया से चले गए और प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हो खुश हो। ये सुनकर कुबो बहुत खुश हो जाता है और वो भी अपने पिता से बात करने के लिए नदी के पास चला जाता है जहाँ सभी जा रहे थे। वहाँ सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। फिर कुबो भी कागज से लैंप बनाकर वो भी प्रार्थना करता है। वहाँ सभी के लालटेन जल गए थे, मतलब कि उनकी बातें वो सुन रहे थे, लेकिन कुबो का लैंप नहीं जलता। कुबो काफी देर तक वहीं बैठा रहता है। सभी अपने अपने लालटेन पानी में रखकर चले जाते हैं लेकिन कुबो वहीं बैठा रहता है, लेकिन फिर भी वो लैंप नहीं जलता। कुबो गुस्से में आकर उस लैंप को फेंक देता है। अब शाम होने ही वाली थी। कुबो की माँ जब देखती है कि कुबो अभी तक वापस नहीं आया है तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी कुबो के पास उसकी दोनों मौसियाँ आ जाती है। वो कुबो से कहती है कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस हमें तुम्हारी दूसरी आँख चाहिए। कुबो डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो मैजिक से कुबो के साथ साथ पूरे गाँव पर हमला कर देती है। कुबो डर कर भाग ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और अपने मैजिक की मदद से उन दोनों चुड़ैलों को दूर करती है। कुबो की माँ उसे अपने मैजिक की मदद से उड़ा देती है और कहती है कि वो जादुई हथियार ढूंढो। कुबो अपनी माँ से बिछड़ना नहीं चाहता था, वो अपनी माँ को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता और कुबो की माँ का एक बाल उसके हाथ में आ जाता है। वो वहाँ से उड़कर दूर जाने लगता है कि तभी वहाँ कुबो की माँ की बहनें आकर उसे मार देती है। फिर जब कुबो की आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक मंकी को देखता है। वो मंकी उसे बताती है कि तुम्हारी माँ चली गई और तुम्हारा गांव तबाह हो गया और हम यहाँ बहुत दूर आ गए। तुम्हारी मौसियाँ तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए हमें छिपने के लिए जगह ढूंढनी होगी क्योंकि शाम होने वाली है। फिर वो दोनों छिपने की जगह ढूंढने के लिए निकलते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ी मरी हुई मछली दिखाई देती है और वो रात उसके अंदर ही रुकने का डिसाइड करते हैं। कुबो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ही परेशान था क्योंकि उसे अभी तक लगता था कि जो भी उसकी माँ ने उसे बताया था वो सब कहानियाँ
औरत थी। कुबो मंकी से पूछता है कि तुम कौन हो, तो मंकी उसे बताती है कि मैं वही खिलौना हूँ जो बचपन से तुम्हारे पास था और तुम्हारी माँ ने मरने से पहले अपने जादू से मुझे जिंदा कर दिया। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। फिर मंकी उसे बताती है कि हमें वो अस्त्र शस्त्र ढूंढना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अस्त्र कहाँ है। इन सभी बातों से कुबो को विश्वास हो जाता है कि वो सब कहानियाँ उसके पिता हंजो के बारे में वो सभी को सुनाता था वो सभी सच थी। फिर कुबो मंकी को अपनी माँ का बाल दिखाता है जो उसके हाथ में आ गया था। फिर मंकी उस बाल से ब्रेसलेट बनाकर कुबो को पहना देती है और कहती है कि यादें बहुत शक्तिशाली होती है, इसीलिए तुम इन्हें कभी मत खोना। फिर वो दोनों सो जाते हैं और जब कुबो सुबह उठता है तो मंकी उसे बताती है कि तुम सपना देख रहे थे, तुम सपने में अपने पिता को पुकार रहे थे, फिर तुम्हारे बैग से एक कागज निकला और ये बन गया। फिर वो कागज का हंजो कुबो को बताता है कि हमें इस तरफ जाना है, लेकिन मंकी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और तरीका भी नहीं था उस अस्त्र के पास पहुंचने का, और वो दोनों उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। रास्ते में कुबो अपने मैजिक की मदद से मंकी के साथ बहुत मस्ती करता है, जिससे मंकी को पता चलता है कि कुबो की ताकतें और बढ़ रही है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि कुबो को कोई पकड़ कर ले जाता है। मंकी उसे बचाने के लिए जाती है तो वो एक बीटल होता है। मंकी उसे मारने लगती है, लेकिन कुबो मंकी को रोकता है कि ये तो सिर्फ कागज के हंजो को लेने की कोशिश कर रहा था। मंकी उसे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन बीटल को कुछ याद नहीं होता क्योंकि उसे बहुत सालों पहले श्राप दिया गया था। बीटल कहता है कि मुझे फ्लैशबैक आते हैं और शायद मुझे लगता है कि हंजो मेरा मालिक है। बीटल बताता है कि हमारा एक समुदाय था और वो उसे उस कीड़े का चिन्ह दिखाता है जो कुबो के पिता के चोगे पर बना हुआ था, और वो बहुत खुश होता है कि उसने वो चोगा पहना था। फिर कुबो उसे बताता है कि हंजो मेरे पिता थे और ये उनका ही चोगा है। बीटल ये सुनकर बहुत खुश होता है कि उसे उसके मालिक का बेटा मिल गया, और वो कुबो से कहता है कि तुम्हारी जो भी खोज हो अब मेरी भी खोज वही है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। वो सभी फिर उस शस्त्र की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिलती है जहां अंदर जाने पर उन्हें एक कंकाल जैसी गुफा मिलती है कि तभी बीटल उस कंकाल को छू लेता है और सब टूटकर नीचे गिरने लग जाता है और वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। तभी उन्हें उस अस्त्र का एक पार्ट यानी कि वो ना टूटने वाली तलवार दिखाई देती है, लेकिन मंकी कुबो को रोकती है कि शायद यहां कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन बीटल उनकी नहीं सुनता और वो तलवार निकाल लेता है कि तभी वो हाथ ऊपर जाता है और वहां एक हड्डियों का राक्षस बन जाता है। मंकी उस ना टूटने वाली तलवार से उस राक्षस पर हमला करती है, लेकिन वो तलवार टूट जाती है। फिर तभी कुबो की नजर उस राक्षस के सिर पर पड़ती है जहां उसे बहुत सारी तलवार दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि उन्हीं में से कोई ना टूटने वाली तलवार होगी, लेकिन वो राक्षस मंकी को पकड़ लेता है और फिर वो बीटल को भी पकड़ लेता है। कुबो उस राक्षस के सर पर जाकर गिरता है और वो एक एक करके सभी तलवार को निकाल कर तोड़ने लगता है। राक्षस मंकी और बीटल को मारने लगता है, लेकिन तभी कुबो वो ना टूटने वाली तलवार निकाल लेता है और वो राक्षस फिर से मर जाता है। बीटल उड़कर उन सभी को बचाकर बाहर ले आता है। बाहर मंकी और बीटल दोनों इस बात के लिए लड़ने लग जाते हैं कि हम नदी पार कैसे करेंगे, और उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा था और शाम भी होने वाली थी। लेकिन वही कुबो वहाँ बैठा वायलिन बजा रहा था कि तभी उसे एक पत्ते को देखकर आइडिया आता है और वो अपने मैजिक की मदद से सभी पत्तों और लकड़ियों को जोड़कर एक बोट बना देता है। मंकी और बीटल ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो सब बोट में बैठकर आगे निकलते हैं। बीटल कुबो को तीर चलाना सिखाता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। कुबो और बीटल बहुत मस्ती करते हैं। मंकी देखती है कि शाम होने वाली है। तभी छोटा हंजो बताता है कि शस्त्र का दूसरा हिस्सा यानी कि हेलमेट नीचे है, तो बग कहता है कि मैं नीचे जाकर उसे ले आता हूँ। कुबो बीटल को कहता है कि ध्यान से जाना क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि नीचे जादुई आंखें हैं जो तुम्हें नीचे की तरफ खींचती है और अपने वश में कर लेती है। बीटल कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा और वो पानी में कूद जाता है। तभी कुबो की मौसियों को दिखाया जाता है जो कुबो को ढूंढ रही होती है। मौसम भी खराब हो रहा होता है। कुबो मंकी से कहता है कि मुझे लगता है बीटल मुसीबत में है, और कुबो पानी में चला जाता है। मंकी भी उसके पीछे जाने लगती है कि तभी वहाँ कुबो की मौसियाँ आ जाती है और वो मंकी पर अटैक कर देती है, और मंकी भी उनका डट कर मुकाबला करती है, लेकिन लड़ते लड़ते मंकी को चोट लग जाती है। लेकिन मंकी फिर भी उनमें से एक चुड़ैल को मार देती है और एक बचकर भाग जाती है। पानी के अंदर कुबो को कवच मिल जाता है, लेकिन वो जादुई आंखें उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। तभी कुबो को फ्लैशबैक आता है और उसे मंकी के अंदर उसकी माँ दिखाई देती है, लेकिन वो जादुई आंखें उसे मारने लगती है। लेकिन उतने में वहाँ
हॉस्पिटल आ जाता है और अपने तीर की मदद से उन आंखों पर निशाना लगाने लगता है और कुबो को बचाकर ऊपर ले आता है। लेकिन कुबो बेहोश हो गया था। कुबो की जैसे आँख खुलती है वो नाव फिर से ठीक हो जाती है। कुबो मंकी को गले लगा लेता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी माँ की आत्मा मंकी के अंदर है, यानी कि वही उसकी माँ है। फिर वो किनारे पर पहुँचते हैं जहाँ वो एक गुफा में ठहरते हैं। फिर कुबो मंकी से यानी कि उसकी माँ से कहानी सुनाने को कहता है कि आप मेरे पिता से कैसे मिली थी। मंकी बताती है कि उसे तुम्हारे नाना यानी कि मूनकिंग ने बताया था कि जो भी उस हथियार के तीनों हिस्सों को हासिल कर लेगा वो शक्तिशाली हो जाएगा और वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। उस रात में हंजो को मारने के लिए अपनी बहनों से पहले ही मंदिर पहुँच गयी थी और हंजो वही था और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगी। हंजो भी कम शक्तिशाली नहीं था लेकिन फिर भी वो रुक गया और मेरी आंखों में देखने लगा। आंखों ही आंखों में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर तुम पैदा हो गए। लेकिन फिर तुम्हारे नाना ने हमें ढूंढ लिया और मेरे धोखे की वजह से कुबो के नाना बहुत गुस्सा हो गए और सब पर हमला करने लगे। तुम्हारे पिता और उनके सैनिकों ने हमें बचाने के लिए अपनी जाने दे दी और फिर मैं तुम्हें वहाँ से लेकर निकल गई। फिर कुबो अपनी माँ से पूछता है कि मेरे नाना मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो तुमसे नफरत नहीं करते लेकिन वो तुम्हें इंसानों की तरह कठोर बनाना चाहते हैं जैसे कि पहले मैं थी। फिर कुबो कहता है कि मैं कभी भी उनके जैसा नहीं बनूंगा। फिर कुबो और सब सो जाते हैं। कुबो को सपना आता है जिसमें वो एक बूढ़े आदमी को देखता है और वो बताते हैं कि तुम्हें अस्त्र का अंतिम भाग हेलमेट तुम्हें तुम्हारे पिता के घर में मिलेगा। तुम्हें बस अस्त होते सूर्य का पीछा करना है और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। कुबो की आँख खुल जाती है। कुबो बहुत खुश होता है। फिर वो मंकी और बीटल को उठाता है और उन्हें बताता है कि मुझे पता है कि अस्त्र का अंतिम भाग हेलमेट कहाँ है। फिर वो तीनों सूर्य को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें गोल्डन हिरन बर्ड दिखाई देते हैं। मंकी बताती है कि वो मरे हुए लोगों की आत्माएं लेकर जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है और वो बताती है कि हमारा कभी अंत नहीं होता, बस हम बदलते रहते हैं। कभी हम जानवर बनते हैं तो कभी कुछ, लेकिन हमारा कभी अंत नहीं होता। वो कुबो के घर तक पहुँच जाते हैं लेकिन अब रात भी हो चुकी थी। वो अंदर जाते हैं जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है। बीटल को भी वो जगह याद आने लग जाती है। उन्हें वहाँ वो सब जगहों की तस्वीर मिलती है जहाँ से उन्हें वो अस्त्र के भाग मिले थे। कुबो उस जगह को देखते देखते बाहर निकल जाता है। तभी मंकी को वहाँ एक पेपर मिलता है जिसमें उस हेलमेट के बारे में बताया गया था कि वो हेलमेट कहाँ है। तभी मंकी समझ जाती है कि कुबो का सपना मूनकिंग की चाल थी हमें यहाँ लाने की। कुबो को जादुई बेले पकड़ लेती है। मंकी और बीटल कुबो को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें भी वो जादुई बेले पकड़ लेती है। फिर कुबो की मौसी यानी कि वो चुड़ैल वहाँ आती है और वो मंकी को बताती है कि बीटल ही हंजो है और वो बग को दूर फेंक देती है। कुबो की मौसी कुबो की आँख निकालने लगती है कि तभी कुबो उसके ऊपर हमला कर देता है और मंकी उसकी पकड़ से आजाद हो जाती है। वो उस चुड़ैल से लड़ने लग जाती है लेकिन वो चुड़ैल मंकी के घाव पर हमला करती है जिससे मंकी यानी कि कुबो की माँ और ज्यादा घायल हो जाती है और वो चुड़ैल कुबो की माँ को मारने ही लगती है कि तभी वहाँ हंजो आकर उस पर हमला कर देता है और वो दूर जाकर गिरता है। कुबो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पिता मिल गए थे। कुबो की माँ हंजो से कहती है कि इसे सुरक्षित रखना चाहे कुछ भी हो जाए। हंजो वादा करता है कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। तभी वो चुड़ैल आकर हंजो पर पीछे से हमला कर देती है और उसे मार देती है। कुबो की माँ कुबो को वहाँ से जाने को कहती है। वो चुड़ैल कुबो की माँ को मारने लगती है। तभी कुबो अपना वायलिन उठाता है और अपने मैजिक की मदद से उसे मार देता है। कुबो वहीं बैठा हुआ रो रहा था क्योंकि उसने कुछ ही पलों में अपने माँ और पिता दोनों को खो दिया था। फिर वो वहाँ पड़ा एक कागज देखता है जिसमें उस हेलमेट का चित्र बना हुआ था और वो हेलमेट और कहीं नहीं बल्कि कुबो के गांव में ही था जहाँ वो रहता था। फिर कुबो एक नए जोश के साथ उठता है। वो अपने पिता के धनुष के धागे को अपने हाथ में बांधता है क्योंकि इस धागे में उसकी यादें थी और अपने मैजिक की मदद से उड़कर अपने गाँव जाता है जहाँ उसे वो हेलमेट दिख जाता है। वो उस हेलमेट को पहनने वाला ही होता है कि तभी उसे आवाज आती है कि गांव वाले अभी भी वही है। कुबो उनसे कहता है कि मूनकिंग आने वाला है और वो उन सबको वहाँ से भागने का कहता है। कुबो वो हेलमेट पहन लेता है और अब वो अस्त्र पूरा हो चुका था। फिर कुबो अपने नाना को पुकारता है। कुबो कहता है कि मुझे पता है कि आप यही कहीं हैं। कुबो के नाना उसके सामने आते हैं। कुबो अपने नाना से पूछता है कि तुम मेरी आँख क्यों लेना चाहते हो। तो कुबो के नाना उसे बताते हैं कि जब तक तुम्हारे पास ये आँख है जब तक तुम ऊपर स्वर्ग में नहीं आ सकते जहाँ मैं रहता हूँ और तुम तब तक इसी नर्क में फंसे रहोगे और अपनी आँख से देखते रहोगे दर्द को दुख को और
मौत को, इसीलिए मैं जहाँ तुम्हें ले जाना चाहता हूँ वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है, वहाँ बस तुम हमारे साथ रहोगे और तुम अमर हो जाओगे। कुबो कहता है कि तुम गलत हो, सभी कहानियों का एक अंत होता है और मैं तुम्हें मार डालूंगा और इस कहानी का अंत कर दूंगा। फिर कुबो के नाना कहते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो तो लड़ो मुझसे। फिर कुबो के नाना एक बहुत खतरनाक ड्रैगन में चेंज हो जाते हैं, वो कुबो पर हमला करते हैं। कुबो भी अपनी तलवार से उन पर वार करता है, कुबो तलवार की मदद से उनकी एक आंख को फोड़ देता है। कुबो के नाना को और गुस्सा आता है और वो उसे पटक कर दूर फेंक देते हैं। फिर कुबो वापस से तलवार को उठाने लगता है, तभी उसे अपने हाथ में अपने पिता और माँ की निशानी दिखाई देती है। कुबो उस कवच को उतार कर दूर फेंक देता है और अपने माँ और पिता की निशानी को वायलिन में पिरोने लगता है। कुबो के नाना भी वहाँ आ जाते हैं, वो कुबो को कहते हैं कि यह तुम्हारा आखिरी समय है। कुबो उस वायलिन को बजाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी आँख क्यों चाहते हो, क्योंकि मेरी आँख के बिना मैं अपने माता पिता की आत्मा को किसी और के अंदर नहीं देख सकूंगा, ना ही उनका प्यार। कुबो के नाना कहते हैं कि जो चीज भी तुम्हें प्यारी थी वो तुमसे दूर चली गई है और जो भी तुम्हें पसंद था वो उससे छीना गया है। लेकिन कुबो कहता है कि ये सब गलत है, वो मेरी यादें हैं जो सबसे शक्तिशाली है। कुबो अपने वायलिन को बजाता है जिससे सारे लैंप में से आत्माएं निकलने लगती है और वो कुबो के पास आती है। पूरे गाँव के लोग भी ये सब देख रहे थे। कुबो कहता है कि यादें हमें बहुत शक्तिशाली बनाती है जो तुम नहीं हो, ये सब उनकी यादें हैं जिन्हें हमने खोया है, और अगर हम इनकी कहानियाँ अपने दिल में रखते हैं तो तुम हमसे कभी उन्हें छीन नहीं पाओगे। और कुबो अपने आसपास मैजिक की मदद से शील्ड बना लेता है। कुबो के नाना उन पर हमला करते हैं लेकिन वो उस शील्ड को तोड़ नहीं पाते, और फिर कुबो अपने मैजिक और यादों की मदद से कुबो के नाना को मार देता है जिससे अब वो इंसानी रूप में आ जाते हैं लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं होता। तो कुबो उन्हें बताता है कि आप मेरे नाना जी हैं, और सब गांव वाले उसे बताते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सब बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।